आपके पास वन प्लस नॉर्ड सी फोर है, सी फोर लाइट है, तो उसके अंदर वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वॉलपेपर चेंज करने के लिए होम स्क्रीन पर ऐसे टैप करना है, वॉलपेपर का सेक्शन आएगा, इस पर आपको टैप कर लेना होता है। अब जो भी टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर दिया जाता है। जैसे कि आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका वॉलपेपर ऐसे चलता रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। लाइव वॉलपेपर लगाना होगा तो आप ऐसे लगा लेंगे, बाकी बैक करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाता है स्टैटिक वॉलपेपर, यानी कि ये नॉर्मल ऐसे रुका रहता है, ना कि आपका ये बार बार चेंज होता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से लगा लेंगे जो भी कंपनी, तो यहाँ पे आप दिख जाएगा मोर का ऑप्शन, इस पर जैसे टैप करोगे, अब जो आपको दिया जाता है थीम के थ्रू, तो यहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से आपका शो कर जाएगा। ऐसे आपको अप्लाई करना है, जैसे अप्लाई होगा यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। अगर आप अप्लाई कर देते हो, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पे लगाओगे तो सिर्फ आपका लॉक स्क्रीन पे शो करेगा, होम स्क्रीन पे लगाओगे तो होम स्क्रीन पे शो करेगा, ना कि लॉक स्क्रीन पे करेगा। अगर आपको दोनों पे लगाना है तो लास्ट वाले पे टैप कर देना है, यहाँ से आपका अप्लाइड हो जाएगा। अब आपको करना है बैक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका वॉलपेपर चेंज हो गया। अब मान चलो जो आपकी फ़ोटो है उनको लगानी है, तो उस कंडीशन में इस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी फ़ोटो होंगी इसमें से आपको जो सेट करना होगा आप कर लेंगे, या फिर आपके एल्बम में जो भी फ़ोटो होंगी यहाँ पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर जाना है, अब सारी सारी फ़ोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैं नॉर्मल यही वाली फ़ोटो सेट करके दिखा देता हूँ, इस पर आपको मोर वाले सेक्शन पर जाना है, सेट वॉलपेपर दिखेगा, सॉरी यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको टैप करके ऐसे आपको अप्लाई कर देना होता है। अगर आप जूम आउट करना चाहोगे, जूम इन करना चाहोगे तो यहाँ से कर लेंगे। बाकी इसमें एक और सेटिंग होती है, अगर आप मान चलो होम स्क्रीन पे करते हो तो आपको इसको इससे कर लेना होता है। आप जब भी स्क्रॉल करोगे तो आपका वॉलपेपर भी आपके स्क्रीन के साथ साथ स्क्रॉल होगा, तो आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, सेट हो रहा। अब सेट होने के बाद आप जब भी ऐसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपका पीछे वाला बैकग्राउंड का जो भी फोटो होगी वो भी आपके फ़ोन से स्वाइप होने लगेगा। बाकी अगर नॉर्मल स्वाइप नहीं करना है तो उस कंडीशन में इस पे जाना है, वापस इस पे टैप कर लेना है, तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको जूम आउट करना है, जूम इन करना है, आप देख लेंगे। बाकी यहाँ से आपको जाके अप्लाई करके लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे कर देना होता है। करने के बाद ये वाला सेक्शन को आपको चेक मार बिल्कुल नहीं करना है। अब जैसे आपका सेट हो गया, अब आपको बैक कर देंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ ये आपका एप्स मूव होगा, ना कि आपका वॉलपेपर। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।